बिहार की राजधानी पटना में 20 साल की बीबीए सेकंड ईयर की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। बोरिंग रोड चौराहे के पास जीवी मॉल से छात्रा को चार युवकों ने पिस्टल की नोक पर कार में जबरन बिठाया, फिर उसे पाटलिपुत्र कॉलोनी थाना इलाके में P&M मॉल के पीछे एक अपार्टमेंट के चौथे माले पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इन चारों में शामिल विनायक सिंह और संदीप मुखिया ने रेप किया है। संदीप ने अश्लील वीडियो भी बनाई। विनायक और संदीप ने धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे, जान से भी मार डालेंगे। दो अन्य कुश और विकास अपार्टमेंट के बाहर में निगरानी कर रहे थे। घिनौनी हरकत करने के बाद छात्रा को कार से लेकर चले, कार में भी रेप की कोशिश की और बोरिंग रोड चौराहे के पास लाकर छोड़ दिया। यहाँ से पीड़िता ऑटो से नेहरू नगर अपनी दीदी के पास पहुंची और सारी आपबीती बताई। चारों पर केस दर्ज किया गया है। SSP उपेंद्र शर्मा ने घटनास्थल पर छापेमारी की और कुश को गिरफ्तार कर लिया। बाद में विकास भी पकड़ा गया। पालीगंज में संदीप और हाजीपुर में विनायक के घर भी छापेमारी की। दोनों फरार हैं। जहां घटना हुई वहां कुश रहता है। पीड़िता नोएडा स्थित एक संस्थान से बीबीए का डिस्टेंस कोर्स कर रही है। वह बहन के साथ नेहरू नगर में रहती है। संदीप उसका बॉयफ्रेंड है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला थाना की पुलिस जब छात्रा को महिला थाना लेकर आ गई तो सोमवार की देर रात उसने कई बार उसे फोन करके धमकाया था। उसने कहा था कि अगर किसी को बोली तो नतीजा बुरा होगा, तुमको और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। अगर पुलिस रात में ही छापेमारी शुरू कर देती तो चारों गिरफ्तार हो जाते। पुलिस के अनुसार मंगलवार को जब मीडिया में गैंगरेप और इन चारों का नाम आया तब सभी का मोबाइल खुला हुआ था। चारों पटना में ही अलग अलग स्थान पर रहकर आपस में बातचीत कर रहे थे। 2 बजे तक सभी का मोबाइल खुला हुआ था। उसके बाद सबने गिरफ्तारी के डर से मोबाइल बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। सभी ने पोस्ट डिलीट कर दी। पीड़िता ने महिला थाना में बताया कि 2 दिन पहले ही विनायक ने जीवी मॉल में रिलेशन बनाने को कहा था। मैंने इनकार कर दिया। सोमवार को मॉल में खाना खाने आई थी। विनायक पहले से वहां मौजूद था। हमको देखकर पास आ गया और कहने लगा कि हमारे साथ रिलेशन बना लो। रविवार को भी हम विशैली से पटना आए और सोमवार को भी इसलिए ही आए थे। रिलेशन बना लोगी तो खुश रहोगी। बाहर निकलकर जा रही थी तो कार सामने से आ गई। उन लोगों में से किसी ने पिस्टल भिड़ा दी और कार में जबरन बिठा लिया। कार बोरिंग रोड चौराहे पर रोक दी, उसका लॉक कर दिया। मैं चिल्लाने लगी और मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जिस कार से बीबीए की छात्रा को ले जाया गया वह उजले रंग की कार मॉल परिसर में रुक गई थी। उसे गार्ड ने धकेला था। स्टार्ट होने के बाद फिर यह रुक गई। इसके बाद आगे से धकेला गया। गिरफ्तार हो चुके हैं। आपके स्क्रीन पर आरोपी विनायक सिंह की तस्वीर है, जो कि हाजीपुर बोरिंग रोड का रहने वाला है। यह फायरिंग मारपीट में जेल जा चुका है। यह नशेड़ी है और शराब का धंधा भी करता है। दूसरा आरोपी संदीप मुखिया है, जिसकी भी तस्वीर स्क्रीन पर शो हो रही है। यह आरोपी पटना में पार्किंग का ठेका लेता है, जो कि दुल्हिन बाजार का है। इसने एक बार मुखिया का चुनाव भी लड़ा था और यह शादीशुदा है। तीसरे आरोपी की भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस आरोपी का नाम कुश है। यह आरोपी पहले एक विधायक के साथ रहता था, छोटा मोटा ठेका लेता है। यह मोकामा का रहने वाला है। चौथे आरोपी का नाम विकास है। यह मोकामा का रहने वाला है और यह शादीशुदा है। यह भी एक विधायक के साथ रहता था और छोटा मोटा ठेकेदारी का काम करता है। आरोपियों ने इस घिनौने काम को करने के लिए आरोपी विकास की ही कार का इस्तेमाल किया था। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।